मुनावर फारूकी ने लिया मनारा चोपड़ा का इस बात के लिए स्टैंड, क्योंकि अनुराग डोभाल और अंकिता ने एक बात को बहुत ही ट्विस्ट करके प्रेजेंट कर दिया। दरअसल नॉमिनेशन को लेकर के विकी को नॉमिनेट नहीं किया अनुराग ने, उसको लेकर के काफी खफा थी मनारा चोपड़ा। अब इनके बीच काफी लड़ाई भी हो रही है। आज एक इम्यूनिटी टास्क हुआ, उस दौरान इन दोनों के बीच जम करके फाइट होती है और इसी फाइट में अनुराग ने मनारा की कई सारी बातें बोली। बेसिकली दोनों बैठ करके काफी लोगों की बैक बेचंक्स करते थे। आज वही सारी बातें अनुराग डोभाल सबके बारे में बोलते हैं कि सना तेरे बारे में ये बोला, मुनावर तेरे बारे में ये बोला, तो इस टाइप की वो चीजें करते हुए नजर आते हैं। तो एक पॉइंट ये भी आता है कि यहाँ पर मनारा ने क्या बोला था कि मतलब उसने सिर्फ ये बोला था कि विकी को नॉमिनेट क्यों नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बाबू भैया बातों को ट्विस्ट करते हैं। सना का ये कहना है कि सना मनारा से कहती है कि भैया तुमने नॉमिनेट नहीं किया विकी को, तो राइडर ने भी नहीं किया, बात खत्म हो गई, क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या ही मतलब नाराजगी वाली बात। उसके बाद मुनावर फारूकी कहते हैं कि मैंने सुना था, मैं सो रहा था, तो ये जो बाबू भैया हैं बहुत ही फन वे में बोलते हैं, अंकिता जी को बताते हैं कि शायद मैंने विक्की भैया और अंकिता को नॉमिनेट नहीं किया जिसकी वजह से मनारा मुझसे नाराज है। और फिर यहाँ पर आपने जो बोला है, आपने बोला कि उसको चाहिए था कि हम दोनों नॉमिनेट हो, जी हाँ उसको चाहिए था कि हम दोनों नॉमिनेट हो, ये चीज अंकिता लोखंडे ने बोली। तो देख रहे हैं ना कि एक बात को किस तरीके से प्रेजेंट किया, जिसके बाद यहाँ पर सनराइज खान कहती है कि कभी भी उसने ये नहीं बोला, अंकिता का नाम तो उसने कभी भी नहीं लिया है। बाबू भैया फालतू में आप भड़काइए मत। फारूकी उस जगह पर सो रहा होता है जब ये सारी बातें बोली जाती हैं, तो मुनावर फारूकी आके बताता है कि आपने ये नहीं, ऐसे आपने ये सारी चीजें बोली थी। फिलहाल क्या कहना है आपका कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो। थैंक यू।